अलाउ मैजिक इन टू योर लाइफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी प्रयास के या बहुत कम प्रयास के कैसे आप चीज़ों को पा सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, या द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टू एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन और अलाउ मैजिक इंटू योर लाइफ इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट, या अपने जीवन में चमत्कार को अलाउ करो, क्योंकि ऑलरेडी चमत्कार तो होते ही रहते हैं, हम खुद भी चमत्कार ही हैं, चमत्कार से हम कम नहीं हैं। तो उसको हम कैसे अपने जीवन में अलाउ करें कि हम हर वो चीज़ पा सकते हैं, उससे पा लें जिसके लिए हमें बहुत कम प्रयास करना पड़े और बहुत खुशी खुशी करना पड़े। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि चीज़ों को बहुत कम प्रयास से आप पा सकते हो। पहली बात तो ये जानो कि यस, दिस इज़ द राइट वे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में अगर बहुत अच्छा भी रिजल्ट पाया तो उस जीवन को तो आपने यूज़ ही नहीं कर पाए अच्छे से। पूरे टाइम आप स्ट्रेस में रह के काम किए, घंटों आपने काम किए, जबकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, बस आपको उसको अलाउ करना है। अगर आप कुछ नियम जानते हो तो उन नियमों के थ्रू आप वो चीज़ बहुत आसानी से पा सकते हो, तो क्यों इतना स्ट्रेसफुल होके, फोर्सफुली होके ये सारे काम करना। क्योंकि ज़्यादातर लोग, बल्कि 99% लोग ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे होते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है या जो पीढ़ियों से लोग करते आ रहे हैं कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो। जो लोग 5 घंटे काम करें, आप 10 घंटे काम करो, वो पहुंचेगा ही वहां जहां उसको पहुंचना चाहिए, उसको बहुत सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि इतना करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलता है, बट अगर हमें कोई और तरीके भी पता हो जो कि हमें कम समय में ज्यादा एनर्जी दे के हम बहुत हाईली प्रोडक्टिव अगर रहें तो, और काम होके, मतलब एकदम पीसफुल अगर हम और इंजॉय फन करते हुए अगर हम कोई चीज़ को कर सकते हैं, तो ये रास्ता चुनने की बजाय ईश्वर का रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने टेक्स्ट हैं, जितने हमारे जो भी गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, वो सब कुछ बताते हैं कि एवरी क्रिएशन इज़ ऑलरेडी डन। सिर्फ ये एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और कई गैलेक्सी हैं। हमारी सिर्फ ये 3D डायमेंशन रियलिटी नहीं है, ऐसे हमारे 4D, 5D बहुत सारे हमारे मतलब पैरेलल यूनिवर्स हैं, जहाँ आपकी इच्छा में आप जो बनना चाहते हो वो ऑलरेडी बन चुके हो, बस उसको अपनी इस लाइफ में अलाउ करना है। तो वही होता है मैजिक, या जादू की तरह जब आपको चीज़ें मिलने लगती हैं तो लोग आप को पूछेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी जीवन तो कैसे बदल गया। और ऐसा होता है, ये लक की वजह से नहीं है, ये एनर्जी, जब हम उस एनर्जी को चेंज कर देते हैं, उस ज्ञान को पा लेते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही होने लगती, छोटे से प्रयास की वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी काम नहीं करना, काम करना है, कम करना है, सही एनर्जी से करना है, हाई प्रोडक्टिव करना है, क्योंकि वो ईश्वर का काम रहेगा, तो वो सबसे बेस्ट काम रहेगा। तो चलिए अब उसके नियम जान लेते हैं कि कैसे आप उस मैजिक को अलाउ करोगे अपने जीवन में। उसके लिए मैं 4 आपको पॉइंट बताऊंगी, 2 प्रूफ बताऊंगी, ताकि इस वीडियो के एंड तक आप उस मैजिक को अपने जीवन में अलाउ करो और कैसे वो चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ है ज्ञान होना कि एवरी क्रिएशन इज़ ऑलरेडी डन। आपको इस चीज़ का ज्ञान मैं आज खुद आपको बताती हूँ, और बहुत सारे ग्रंथों में भी है ये ऑलरेडी, ये तो मेरे थ्रू बस आपके पास जा रहा है, बाकी ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पे काम कर चुके हैं और मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि हर एक इच्छा जो भी चाहते हो आप, वो ऑलरेडी डन है, एवरी क्रिएशन इज़ डन। तो वो ज्ञान जब हमको हो जाता है तो हम वैसा महसूस करने लगते हैं, हम उस एनर्जी में रहते हैं, अलाउ कर देते हैं, और जब हम वो फीलिंग वैसी करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, मुझे एक नया घर चाहिए, मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे रिलेशन अच्छे हों, मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, या जो भी आपकी डिज़ायर है, मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ, टॉप कर लिया हूँ, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और राइट नाउ एवरी क्रिएशन इज़ डन, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं लविंगली, फीलिंगली कि हाँ इट्स ऑलरेडी डन, वही मैजिक है, और वहीं से मैजिक की शुरुआत होती है। पर ये नहीं कि सिर्फ एक बार किए और बस दूसरे पल नहीं दिख रहा है तो भूल गए, अरे कहाँ है, सब फालतू की बात है, ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान है वही हमारी रियलिटी है। और जब धीरे धीरे ऑथेंटिकली, क्योंकि जब आप महसूस
करने लगोगे तो जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि यही रास्ता है। ये ज्ञान बहुत बड़ा है। आपको लग रहा होगा कि ये जिनको ये पहली बार देखने मिल रहा है वीडियो, उनको लग भी रहा होगा कि ऐसी कोई चीज़ होती है क्या। माय डियर फ्रेंड, यस, ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, जागरूकता। अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं हम गरीब हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस में वही चीज़ें रहती, सब कॉन्शियस माइंड में वही रहती, वही अट्रैक्ट होंगी। तो पहली जो चीज़ है वो है ज्ञान, कि एवरी क्रिएशन इज़ डन, उसको एक्सपीरियंस करो और धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाएगी। यही होता है अलाओ मैजिक, किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस करो कि वो ऑलरेडी है, ये होता है अलाओ मैजिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ये मैजिक को अलाउ करना है कि मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी सारी हो चुकी हैं, वो चीज़ होती है कि गॉड से आपका कनेक्शन कैसा है, ये किसके थ्रू होता है, या मैजिक आपके जीवन में किसके थ्रू आता है? इंट्यूशन के थ्रू। इंट्यूशन मतलब एक अंदरूनी आपको एक इच्छा या आपको कुछ पता चल जाएगा कि जैसे आप, और ये इंट्यूशंस कैसे आते हैं, जैसे होता है ना कई बार कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी कुछ होने वाला है, आप ये रास्ता मत पकड़ो, दूसरा रास्ता पकड़ लो, तो जो एकदम से आपके मन में विचार आया वो यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, गॉड ने, सुप्रीम पावर ने आपको दिया, आपको मार्गदर्शन दिया। और जब आप वो इंट्यूशन को अलाउ करते हो ना अपने जीवन में, तो आप जादू को अलाउ कर रहे हो अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए। तो इंट्यूशन, इसके दो प्रूफ भी मैं बताऊंगी। एक जो है स्कोविल शिन की बुक है द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन, उसमें उन्होंने बताया है कि जो इंट्यूशंस आते हैं या हमको अंदर से एक कुछ चीज़ के बारे में पता चलता है, प्रेरणा टाइप की आती है ना, तो वो जो है वो ईश्वर का संदेश है हमारे लिए। मतलब ईश्वर हमसे या ब्रह्मांड हमसे इस रूप में बात करता है, और हम किस रूप में बात कर सकते हैं या करते हैं, हम करते हैं प्रेयर के रूप में। प्रेयर कौन सी? प्रेयर सिर्फ मांगने वाली नहीं है, भगवान ये दे देना, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, ये प्रेयर नहीं होती। रियल प्रेयर होती है क्या? कन्फर्मेशन ऑफ एवरीथिंग यू हैव। मतलब हमारे पास, हम उसका कन्फर्म कर देते हैं कि ये चीज़ है, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी सारी डिज़ायर पूरी हो चुकी हैं और ये कन्फर्म है, तो हम जब थैंक यू बोलते हैं, ये असली प्रेयर होती है। प्रेयर इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। तो इस तरीके से प्रेयर जब हम उसको करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हमारा संदेश यूनिवर्स, ब्रह्मांड तक जाता है। ये दो तरीका है मैजिक को अलाउ करने का। और इंट्यूशंस, इसमें एक और बुक है एमिली का, द लेसन्स इन ट्रुथ, ये बुक का नाम है। और ये बुक लिखी है हैरियट एमिली केडी ने, और इस बुक में भी उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्स या गॉड हमसे बात करता है इंस्पिरेशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में, और हम यूनिवर्स से बात करते हैं प्रेयर के रूप में। तो अभी इन्होंने क्या बोला, एक तो शॉविल सिन ने बोला है इंट्यूशन, और इन्होंने एमिली ने बोला है कि इंस्पिरेशन के रूप में ईश्वर हमसे बात करता है। तो इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, और वो प्रेरणा जब हमको मिलती है तो हम वो काम करते हैं कैसे, पीसफुली काम होके, कि हमें भरोसा रहता है कि ये काम सक्सेस होगा। तो एनर्जी भी कम लगती है, एफर्ट भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ आप पहुँच जाते हो, एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। क्योंकि वो आत्मा की जो आवाज़ है वो गलत नहीं होती, बस हो सकता है कई बार उसमें टाइम लगे, पर आपको भरोसा करना है। तो इस तरीके से आप जीवन में, अपने जीवन में मैजिक को अलाउ करोगे अपनी सारी मैनिफेस्टेशन के लिए, किसके थ्रू? इंस्पिरेशन के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, और अपने आप को उसको धन्यवाद देना है कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ डन। ये दो चीज़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करना है मैजिक को अलाउ करने के लिए, कि कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नली नहीं दिख रही है, तो आपको उसको जज नहीं करना है उस बेस पे कि ये अभी नहीं दिख रहा। आपको जज किस बेस पे करना है? राइट जजमेंट के अकॉर्डिंगली, कि बहुत सारी इनविजिबल चीज़ होती हैं जो नहीं दिखती हैं, पर एक टाइम के बाद वो दिखने लगती, जब हमारा फोकस वहाँ ऑलरेडी रहता है तो वो चीज़ें हमको दिखने लगती हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये तीसरी चीज़ है।
इस तरीके से भी आप मैजिक को अलाउ करोगे, क्यों इनविजिबल चीज़ को भी जब आप अपने अंदर देखने लगोगे, इमेजिनेशन में देखने लगोगे, तब वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इमेजिनेशन इज़ गॉड, नेवल गोडार्ड ने इतने सारे इस पर वीडियो बनाए हैं, तो ये भी आपको काम करना है कि उसको अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली जज नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको 4 नंबर पे करनी है, अलाउ इट टू अपीयर वॉकिंग ऑन फेथ, मीन्स आपको वो सब चीज़ों को जो आप चाहते हो, घर, कार, बंगला, हेल्थ, जॉब, वो सबको अलाउ करना है किसके थ्रू, उसको अपने जीवन में अपीयर करने को, यानी दिखने लगे उस चीज़ को अलाउ किस रूप में करना है, ट्रस्ट के रूप में। वॉकिंग ऑन ट्रस्ट मतलब हर एक काम उस भरोसे के साथ करना है कि ये जीवन में मेरे ये चीज है, आज नहीं तो कल दिखेगी, परफेक्ट टाइमिंग में दिखेगी और ये ऑलरेडी है, कोशिश यही करना है आपको। तो जब हम, और ये कैसे क्रिएट करोगे, ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है, ट्रस्ट को क्रिएट करने की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें आपका विज़न भी है। विज़न मतलब आप क्या विज़न क्रिएट किए हो कि हम कैसे भविष्य में होंगे, वो ऑलरेडी हो गया है। जब ये आप करते हो तो मैजिक को आप अलाउ करते हो। दूसरी, आपकी खुद की आइडेंटिटी, अगर आप बार बार सोच रहे हैं मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप वैसे ही रहोगे, उसको आपको ट्रस्ट के थ्रू नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, इस तरीके से जब आप करोगे अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट, तो मैजिक भी आपके जीवन में होने लगता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बिलीव्स क्या, नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव करना है। आपका बिहेवियर कैसा है, अगर आप बिहेव ऐसा कर रहे हो कि अरे ये तो महंगा है, ये मैं नहीं ले सकता हूँ, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं, मेरे जीवन में तो हमेशा बुरा ही होता है, नेगेटिव लोग आते हैं, अगर इस तरीके से आप बोलोगे तो आपका बिहेव कैसा अपोजिट जाएगा, आप ट्रस्ट पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में जादू नहीं हो सकता हैं। तो आपको आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके एक्शन कैसे होने चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, मतलब एकदम शांति में, स्टिलनेस में। इंट्यूशन भी आपको 2 चीज़ों में आते, स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब जब शांति में आप रहते हो तभी आप अंदर की आवाज़ सुन पाते हो। इतने सारे विचार चल रहे होते हैं अभी की परिस्थिति में, आप मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब करते रहोगे तो आपको कभी अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इंट्यूशन 2 चीज़ में आते हैं, स्टिलनेस जब आप एकदम शांत रहते हो तब, और दूसरा आता है फ्लो स्टेट में, जब आप किसी काम को कर रहे हो तो इतना मगन हो जाते हो उसमें, जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता किसी ने आपको आवाज दी, कोई आपके सामने से निकल गया, तब आपको इंट्यूशंस आते हैं। तो वैसे ही जब आप एक्शन इस तरीके से लोगे, जो आपकी इंट्यूशन में आए वो एक्शन जब आप लेते हो, तो आप बहुत पीसफुली होके वो काम कर रहे होते हो, ग्रेटफुल होके काम कर रहे होते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन में काम कर रहे होते हो, तो हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है और जादू की तरह होने लगती है। अगर आप ये नहीं कर रहे होते हो तो आप कैसा फोर्सफुली किसी चीज़ को काम पाने की कोशिश करते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, आप रिलैक्स नहीं होते, बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको क्या लेसन लेके जाना है, ये लेसन लेके जाना है कि एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। जो मैंने 4 पॉइंट बताए, इन 4 पॉइंट के थ्रू आप अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट कीजिए, उसको अलाउ कीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपके घर, कार, बंगला, सक्सेस, आपकी पोस्ट, सब कुछ ऑलरेडी क्रिएट है, ये 4ों काम से उसको आप अलाउ कीजिए, और फिर जो भी उसके अकॉर्डिंगली आप जब एक्शन लोगे तो कैसे होने चाहिए, वो सारे एक्शन आपके पीसफुली उसको लेना है, रेस्ट फुल के साथ रहना, मतलब शांति से उसको करना है आपको। और फिर देखिए कि जब आप पीसफुल में जो इंट्यूशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी आपके लाइफ में वास्तविकता बन के आने लगती हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अलाउ मैजिक इन योर लाइफ, और अपने जीवन में जादू को आकर्षित कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सॉरी फॉर माई लॉन्ग वीडियो, बट मैं कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी बहुत सारा सार दूँ, पर अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो टाइम लग ही जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।